हुसैन बोल्ट की उम्र 22 साल, जस्टिन गेटलिन का उम्र थी 36 साल। दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों एक साथ रहते थे, दोनों अपने इवेंट के अच्छे प्लेयर थे, दोनों के अच्छे कंपटीशन होते थे। हमेशा हुसैन बोल्ट जी जीतते रहे थे और हमेशा वो हार जाते थे। हमेशा उनके मन में एक चीज रहती थी कि काश मैं एक बार हुसैन बोल्ट जी को हरा पाऊं, मगर नहीं हरा पाते थे। ऊपर से जब भी हुसैन बोल्ट जी कमरे में जाते थे, अरे तू तो बूढ़ा हो गया, तेरे बस की बात नहीं मुझे हराना, जा जा सो जा, थक गया होगा, कई कमेंट्स करते थे उसके साथ। अंदर से आग लगती थी उसके, बोलता नहीं था, कूल माइंड, प्लेयर बहुत कूल माइंड होता है, कुछ नहीं बोलते थे अंदर से, काश ऊपर वाला हो सकता है कभी मैं जीत पाऊं। दोनों की दूरी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता था, और अच्छा विनर जो होता है ना, तो बस अपनी एक स्टेप से ही जीतना ज़्यादा पसंद करता है। उसी तरह उनका कई बार कंपटीशन हुआ। हुसैन बोल्ट जी लास्ट इवेंट में उतरे थे, वो सोचे थे कि आज मैं, हो सकता है मैं अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके, अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके एक नया इतिहास रच के आज मैं संन्यास ले लूँगा ग्राउंड से। मगर उसी कंपटीशन में गेटलिन जी ने उन्हें हरा दिया। आज हुसैन बोल्ट जी को कम लोग जानते हैं, जस्टिन गेटलिन जी को लोग ज़्यादा जानते हैं, कारण कि उनके कई रिकॉर्डों को उन्होंने हरा करके ये सिद्ध कर दिया कि आपकी लगन और मेहनत उम्र दराज को भी पीछे छोड़ जाती है। 36 साल का एक गेटलिन हुसैन बोल्ट उस समय 23 साल की उम्र के हरा करके उसने एक नया इतिहास रचे। तो जिस दिन आप मन में ठान लिए कि नहीं मुझे सक्सेस पाना है तो पाना है, उसको हराना है तो हराना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर आपको लक्ष्य से कोई दूर नहीं कर सकता। चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट।